किसी को तेज गति से खाना पसंद होता है और किसी को धीरे धीरे, और किसी किसी को इन दोनों के बीच यानी मध्यम गति से खाना पसंद होता है। क्या होगा अगर हम इन सारी गतियों को एक वीडियो में एक साथ लेकर आए? यह बहुत ही मजेदार होगा, तो चलो इसे मिलकर देखते हैं। दोस्तों देखो, हमें कुछ स्वादिष्ट मिला है। मकई का भुट्टा, बहुत बढ़िया। और मुझे पता है इसे जल्दी से कैसे खा सकते हैं। तुम्हारे पास बहुत मजबूत दांत होने चाहिए। ध्यान से मेरी, माफ करना दोस्तों, तेजी से खाने में कुछ तो गंवाना होगा। दोस्तों अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि हर एक टुकड़े का मजा कैसे ले सकते हैं। यहाँ आता है ताजा पॉपकॉर्न। ओ, और एक मूवी, एकदम सही। मुझे अभी इसकी ही जरूरत थी, कितनी जल्दी खत्म हो गया। मैं ये बर्तन ले लूंगी चैट। मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी। खैर कोई बात नहीं, यह कैन वाला मकई भी ठीक ही होता है। आराम से एमा, तुम्हें बस ठीक से पकाना नहीं आता। यह बहुत बढ़िया राउंड है कैन जी, और मुझे मिला है मध्यम गति, और मुझे तेज गति मिली है, और मुझे धीमी गति। यह बातचीत करने का समय नहीं है, मैं खाना शुरू करती हूँ। यह बहुत उबाऊ प्रक्रिया है एमा, मेरे पास एक बढ़िया योजना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। मैं सारे चॉकलेट को एक ही बार में आसानी से पीना चाहता था। यह कमाल का था। मुझे घोंगे की तरह धीमी गति से खाना है, और मुझे लगता है यह चॉपस्टिक इसमें मदद करेगी। वे कहाँ गए? जैक, वो मुझे वापस दो। अरे नहीं, तुमने सब बिखेर दिया। तेज गति से खाना मुझे पसंद है, मुझे भी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मुझे धीरे से खाना पड़ेगा। चलो पता लगाते हैं पहले कौन करेगा। खैर ये एक गलती थी। वैसे मुझे लगता है यह समय है इस प्याज को काट डालने का, और यह लो। और वाह, मुझे पता नहीं था कि मैरी इतनी खून की प्यासी थी। जब प्याज की बात आती है तो मैं काबू में नहीं रह पाती। मुझे यकीन है कि मैं इसे आसानी से संभाल लूंगी, मैं बस अभी अपने लिए एक प्याज का स्मूदी बनाऊंगी। वाह वाह, क्या है? और शायद मैं बस कल्पना कर रहा था। अपने फालतू के मजाक से मुझे विचलित करने की कोशिश मत करो जैक। मेरी ड्रिंक तैयार है। ओ, यह तो जैसा मैं सोच रही थी उसे बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तुम्हारी बारी जैक। मैं अपना पहले ही खा चुका हूँ। क्या सच में दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? इतने सारे प्याज, मुझे लगता है मेरे पास इसे खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। छी, ये मुझे फिर से सबसे तेज वाला कार्ड मिला, और मुझे गमी आंखें मिली है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और विशेष रूप से इसके लिए मुझे ये स्क्यूअर मिले हैं। देखो इसके साथ खाना कितना सुविधाजनक है। मैं कुछ नहीं देख सकता, मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। हमें उस तरह से डराने की क्या जरूरत थी? वास्तव में मैं भी थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। तुम क्या कर रही हो एमा? मैं समझ गया, तुम गुलेल के साथ निशाना लगाने का खेल खेलना चाहती थी। यह मैं करूंगी। बहुत बढ़िया, तुम्हारा निशाना एकदम सटीक है। दूसरा पकड़ो। अरे यार, इस बार मुझे थोड़ा धीरे करना होगा, और मैं तेजी से करूंगी। बर्गर, और ये कितने सुंदर और ताजा है, और इसकी टॉपिंग बहुत ही रसीली और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है पहले इसकी एक अच्छी तस्वीर लेनी चाहिए और उसे ऑनलाइन पोस्ट करना चाहिए। I love you.
नहीं, मेरी राय में बस खाओ। अरे ये मेरे हैं। माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। खैर, अब जो बचा है उसी से संतोष करना होगा। बर्गर वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैरी को कुछ गर्म और तीखा मिलेगा। तुम लोग हमेशा बात करने में अपना समय बर्बाद करते हो और मुझे इतनी भूख लग रही है। कितना तीखा। ओह, शुक्र है कि यह पानी देने वाला कैन यहाँ पर है। इतना सारा सोडा और सभी अलग अलग फ्लेवर के। मुझे लगता है मैं इस कैन से शुरू करूंगी। कितना ताजा। मुझे लगता है इसे स्ट्रॉ के साथ पीना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा इसमें से, फिर थोड़ा उसमें से, और यह अंतिम। और कैसा रहेगा अगर सभी एक साथ पी ले। अब तुम भूख तो मैरी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ जल्दी से फैंटा पीने के लिए। मेरा दम लगभग घुट ही गया था। आखिरकार तेज गति वाली कार्ड मेरी। जब टेबल पर बदबूदार चीज हो तो मुझे बहुत डर लगता है। यह अच्छे नहीं है। अब यह बेहतर लग रहे हैं और मैं इसे शहद में डीप करूंगी। नहीं, अभी भी बहुत बुरा स्वाद। मैं बस अच्छी चीज को पी लूंगी। यह बहुत मीठा है। मुझे यह पसंद है। शायद मैं भी इसमें कुछ मीठा मिलाने की कोशिश करूंगी, उदाहरण के लिए स्कीटल्स। यह केक की तरह दिख रहा है पर इसका स्वाद अलग है। ओह, अब केवल तुम ही बचे हो जैक। इस चीज को तो एक बार भी देख लेने से मेरे पेट में मरोड़ उठने लगती है। मैं बस इसे जल्दी जल्दी खाकर इसे छुटकारा पाता हूँ। हो गया। अरे प्लीज अपना मुंह बंद रखो, हमें इस जगह को फ्रेश करना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गति से खाते हैं, अगर आपके साथ अच्छी कंपनी हो। आशा है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ खाने का मन कर रहा हो और आपका मूड ताजा हो गया हो। और अगर ऐसा ही हुआ है तो हमारे एक और वीडियो को देखें और हंसते मुस्कुराते रहें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे दोस्तों।